तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्रिया शारीरिक विज्ञान फिजियोलॉजी के पेपर सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपके पास है चैप्टर नंबर 4 है जो कि आयुर्वेद में ओज है, उस चैप्टर के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने धातु पोषण सिद्धांत कौन कौन से या न्याय जो है वो कौन कौन सा आयुर्वेद में बताया गया उस चैप्टर के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में इस आयुर्वेद में ओज जो चैप्टर नंबर 4 है इसके पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, और इस पार्ट फर्स्ट के अंदर आज की वीडियो में जो है टोटल 4 टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद वाले जो टॉपिक है इस चैप्टर के वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास में होगा ओज की उत्पत्ति, ओज का स्वरूप क्या है, ओज का पोषण जो है शरीर में किस तरह से होता है, ओज का स्थान, भेद और प्रमाण जो है आचार्यों ने क्या क्या बताया है। सबसे पहले अगर ओज की उत्पत्ति की बात करते हैं तो दोस्तों ओज की उत्पत्ति जो है वो मानव शरीर में 2 बार जो है वो होती है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, जब गर्भावस्था होती है मतलब गर्भाशय में गर्भ का निर्माण हो रहा होता है, तो एक ओज की उत्पत्ति तो उस टाइम पे हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं प्रथम उत्पत्ति, और उसके बाद में जब शरीर का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद में जब गर्भ जो है वो गर्भाशय से बाहर आता है, उसके बाद में जो उसकी द्वितीयक उत्पत्ति होती है जो कि शरीर में उपस्थित जो रसादि सप्त धातु है उन सप्त धातु के सार भाग के परिणाम स्वरूप होती है। दोबारा बताता हूँ कि प्रथम उत्पत्ति तो कहाँ पर हुई है, गर्भावस्था में जब गर्भ है उसी टाइम पे जो उत्पत्ति होती है वो उसकी प्रथम उत्पत्ति कहलाती है, और जब शरीर का निर्माण होने के बाद में गर्भ जो है वो शरीर से बाहर आता है तो उस कंडीशन में जो रसादि धातु है उन रसादि धातु से होने वाली जो उत्पत्ति उसको अपन क्या बोलते हैं द्वितीयक उत्पत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति जो है 2 तरह से, गर्भ में ओज की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। गर्भ में सबसे पहले ओज की उत्पत्ति कहां पर होना बताया है, ओज की उत्पत्ति जो है वो गर्भ में होना बताया है। ठीक है, उसके बाद में रसादि सुक्रांत धातु के सार भाग से इसकी उत्पत्ति या निर्माण होना बताया गया है। उसके बाद में अगला जो रसादि धातु से किस तरह से जो है ओज का निर्माण होता है, तो लिखा हुआ है कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान बताया कि ओजस्तु तेजो धातु ना शुक्रांतम परम स्मरतम, मतलब ओजस्तु ओज जो है वो सभी धातु के अंत का जो तेज भाग होता है, जो सार भाग होता है, उस तेज भाग या सार भाग जो होता है वो है, मतलब जो है वो जो शरीर की जो सप्त धातु है ना, उन सप्त धातु के अंत में जो सार भाग बनता है उन सभी धातुओं का वो ही क्या है, ओज है। तो जब आहार रस का धातु पाक होता है तब प्रत्येक धातु के सार भाग से ओज की उत्पत्ति होती है, अतः स्पष्ट है कि रसादि शुक्रांत धातु के उत्कृष्ट या तेज जो सार भाग होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओज बोलते हैं। शुक्रांत धातु के उत्कृष्ट या तेज या सार भाग को ओज कहा जाता है। सेकंड, अगर अपन ओज के स्वरूप की बात करें तो दोस्तों ओज का स्वरूप पता करने से पहले या पढ़ने से पहले अपनों को यह पता होना चाहिए कि ओज के जो है गुण कौन कौन से बताए, क्योंकि गुण के जैसे गुण होंगे उस गुणों के आधार गुणों के जैसे ही जो उसका स्वरूप बनेगा। तो अगर ओज के गुणों की बात करते हो ओज में टोटल मिलाकर के आचार्य ने 10 गुण बताए, गुरु, शीत, मृदु, संलक्षण, घन या पिच्छिल, घन या बहल, मधुर, स्थिर, निर्मल, पिछिल और स्निग्ध। ये जितने भी गुण हैं ना, इन सारी गुणों के बारे में अपन विस्तार से जो है पदार्थ विज्ञान के गुण निरूपण अध्याय में कर चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों जो ओज के 10 गुण टोटल बताए हैं उनके आधार पर ही ओज का जो है स्वरूप बनता है, मतलब ओज जो है वो शरीर में उसी के अनुरूप जो है अपना स्वरूप रखता है, जिसमें सौम्य, मधुर, स्निग्ध, मृदु, शीत, वीर्य युक्त। ठीक है, तो मधुर जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या है, गुरु गुण है उसकी वजह से। उसके अलावा स्निग्ध, मृदु, शीत, वीर्य युक्त होने के कारण इसको जो ओज का स्वरूप बताया गया इस तरह का। ठीक है, जो ओज का स्वरूप है वो क्या है कि गर्भकालीन अवस्था, क्योंकि उत्पत्ति जो है वो ओज के शरीर में दो प्रकार से हो रही है, मतलब दो दो बार जो है वो होना बताया, एक तो गर्भकालीन ओज और एक जन्म के पश्चात ओज। ठीक है, तो गर्भकालीन ओज का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, सर्पी वर्ण का होगा और मधुर रस की प्रधानता से युक्त। तो गर्भकालीन जो ओज है वो सर्पी वर्ण का है और सर्पी वर्ण का होने के साथ साथ मधुर रस की प्रधानता से युक्त है। जन्म के पश्चात जब रसादि धातु से जो ओज बनता है वो शुद्ध इसद रक्त एवं इसद पित्त वर्ण, मतलब कि शुद्ध जो रक्त और पित्त है उसके वर्ण के समान बताया गया है। उसके बाद में ओज की अगर अपन वर्ण, रस और गंध की बात करते हैं तो ओज का जो वर्ण है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ओज का स्वरूप बताइए जिसके अंदर वर्ण, रस और गंध क्या है, इनके बारे में आप लिखो। तो ओज का जो वर्ण है वो गर्त के समान बताया है आचार्यों ने। ओज में जो रस है वो मधु है ना, तो मधु के समान, मधुर होने के कारण मधु के समान बताया। और गंध की बात करते हैं लाजा के समान जो है वो बताया। उसके बाद दोस्तों अगर ओज के पोषण की बात करते हैं तो शरीर में उपस्थित जो सारी धातु है उनका क्या होता है पोषण। पिछली वाली वीडियो में अपन ने देव धातु पोषण न्याय देखे तो उनके द्वारा अपन ने सप्त धातु की शरीर में पुष्टि किस तरह से होती है, कैसे आहार रस जो है उन सातु धातु की पुष्टि करता है, निर्माण करता है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी।
अब उन सातु धातु का उत्कृष्ट भाग जो बन रहा है वो ही क्या है, ओज है। इसका मतलब शरीर में उपस्थित जो सातु धातु है उनके परिणाम स्वरूप या उनसे ही आगे चल करके उनसे ही जो है वो ओज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आहार के सम्यक पाचन से प्रसाद रूपी भाग से धातु की पुष्टि होती है और जब वो शरीर में उपस्थित जो सातु धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये सातु धातु की पुष्टि हो जाती है मतलब इनका पोषण हो जाता है। तो इसके बाद में इनकी इन सभी के अंत में, क्योंकि श्लोक में लिखा हुआ था कि शुक्रांत, ठीक है, तो शुक्र आदि धातु के अंत में किसका निर्माण होता है, ओज का। तो इनकी ओज की पुष्टि भी कब होगी, जब शुक्र आदि धातु के क्या हो जाएगी, पुष्टि हो जाएगी। पुष्टि के उपरांत बनने वाले सार भाग से ही ओज की पुष्टि होती है, पोषण होता है। लास्ट पॉइंट जो आज की वीडियो का है दोस्तों वो है कि ओज का स्थान जो है आचार्यों ने कहाँ कहाँ बताया है या फिर शरीर में जो है ओज का स्थान कहाँ बताया है, उसके अलावा ओज के भेद जो प्रकार है वो कौन कौन से आचार्यों ने बताया है और उसी के साथ साथ देखते हैं कि प्रमाण जो है ओज का क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर स्थान की बात करें तो ओज जो है वो सर्वव्यापी है, मतलब संपूर्ण शरीर में जो है व्याप्त रहने वाला है, मतलब ओज का कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं बताया, संपूर्ण शरीर में जो है वो ओज उपस्थित रहता है आचार्यों का ऐसा कहना है। लेकिन अगर तो भी अपन विशेष स्थान की बात करते हैं तो विशेष स्थान जो आचार्य ने वो हृदय को बताया, मतलब हार्ट को जो है वो क्या बताया, विशेष स्थान बताया ओज का। सेकेंड पॉइंट जो देखते हैं इस फोर्थ पॉइंट का वो है भेद या प्रकार जो है कौन कौन से बताए, तो मुख्य रूप से जो है वो भेद जो है वो ओज के दो ही होते हैं, जिसमें एक तो पर ओज होता है और एक अपर ओज होता है। पर ओज नाम से पता चल रहा है कि अपन जो गुण वाली वीडियो पर आदि गुणों के बारे में पढ़े थे, जब हमने पर अपर क्या होता है इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो पर का मतलब सुपीरियर है ना, मतलब डोमिनेंट है, और अपर का मतलब क्या है, इन्फीरियर, या आप जो है उससे थोड़ा कम डोमिनेंट है, कम प्रभावी है, वैसा समझ सकते हो। तो पर ओज जो है वो क्या है, प्रभावी है, और प्रभावी होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, ठीक है, मतलब शरीर में इसकी क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है, मुख्य होता है ये, ठीक है। अगर ये नष्ट हो जाता है तो शरीर जो है स्वतः ही नष्ट हो जाता है, ऐसा बोला गया आयुर्वेद में, ठीक है। अगर अपर ओज की बात करते हैं तो अपर ओज जो है वो अपने शरीर के बल के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर ये खत्म होता है अपर ओज है, उस अपर ओज के नष्ट होने से शरीर तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपका शारीरिक बल है, मानसिक बल है, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब शरीर का जो बल है ना उसके लिए जिम्मेदार कौन है, शरीर का जो बल है उसके लिए जिम्मेदार अपर ओज है। इसी चैप्टर का जो पार्ट सेकंड होगा उसमें देखेंगे कि इम्यूनिटी से रिलेटेड, इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी इस ओज के साथ में क्या रिलेशनशिप रखती है, क्या संबंध जो है वो इम्यूनिटी का ओज के साथ में, उसके बारे में आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें बात करेंगे। तो अभी आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अपर ओज जो है ना वो शरीर के बल के लिए आवश्यक होता है, जबकि पर ओज जो है प्रधान होने के कारण और हृदय में स्थित होने के कारण शरीर के प्राणों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है कि इसका प्रमाण जो आचार्यों ने क्या क्या बताया, तो जो पर ओज पर ओज का आठ बिंदु प्रमाण, मतलब कि अष्ट बिंदु प्रमाण जो है आचार्य ने पर ओज का बताया, जबकि अपर ओज का जो है वो आधा अंजलि, मतलब 1/2 अंजलि जो है बताया है। थोड़ा सा अगर पर ओज के बारे में पढ़े और अपर ओज के बारे में देखें कि तो हृदय में रहने वाले ओज को पर ओज कहा गया है और यह ओज प्रधान होता है क्योंकि इसके नष्ट होने पर संपूर्ण शरीर स्वतः ही नष्ट हो जाता है। मैंने आपको यही बताया कि जो पर ओज है वो सुपीरियर है, हृदय में स्थित है ना, और हृदय में स्थित होने के साथ साथ जो है वो अगर ये नष्ट होता है तो इसके नष्ट होने से शरीर जो है स्वतः ही नष्ट हो जाता है। लेकिन अपर ओज जो है वो हृदय के अलावा शरीर के सभी भागों में विद्यमान ओज जो होता है वो अपर ओज कहलाता है। मतलब एक आप दो पूरी बॉडी को ओज के आधार पर जो दो पार्ट में बांट सकते हो, एक तो हृदय वाला पार्ट और एक हृदय के अलावा पूरा का पूरा शरीर, ठीक है। तो हृदय वाला जो पार्ट है वहाँ पर कौन सा ओज प्रेजेंट है, पर ओज प्रेजेंट है, और जो हृदय के अलावा संपूर्ण शरीर है वहाँ पर कौन सा अपर ओज प्रेजेंट है। अगर हृदय में उपस्थित जो पर ओज है उसमें किसी तरह का आघात होता है, उसका सही होता है, कुछ भी होता है, तो उससे प्राण की जो है वो समाप्ति हो सकती है, मतलब मृत्यु भी तक भी हो सकती है। लेकिन अगर अपर ओज में अगर कमी आती है तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह अप्रधान ओज है क्योंकि इसके नष्ट होने पर शरीर तो नष्ट नहीं होता, लेकिन इसके सही होने से लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि ओज की उत्पत्ति जो है शरीर में किस तरह से होती है, उसके अलावा ओज के जो पोषण है वो शरीर में किस तरह से होता है, और उसके साथ साथ ओज का स्वरूप क्या है, और स्वरूप के साथ साथ हमने देखा कि ओज का स्थान, भेद और प्रमाण जो है आचार्यों ने क्या क्या बताया। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर नंबर 4 के पार्ट सेकेंड के बारे में, और पार्ट सेकंड में अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ओज के कर्म, ओज की सही और वृद्धि के लक्षण जो है आचार्य ने क्या क्या बताया, और ओज और बल का जो संबंध है। मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अपर ओज जो बल के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो ओज और बल में संबंध क्या होता है, उसके अलावा इम्यूनिटी जो व्याधि समत्व आयुर्वेद में बताया गया वो क्या है, इन सब के बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।